फ्रेंड साहब एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एक जैसी दो लिस्टें हो गई आपके पास, और वो लिस्टें न्यूमेरिक में भी हो सकती हैं और अल्फाबेट में भी हो सकती हैं, कोई नाम भी हो सकते हैं उनमें, और उनको आपने एग्जैक्ट मैच करना है या फिर उनको केस सेंसेटिव मैच करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम लेके आए आपके लिए एक बेहतरीन फंक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। तो ये सब हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी के साथ। हम यहाँ भी आपको दो अलग अलग प्रकार की फाइलों पे काम करना बताएंगे दोस्तों। एक तो हमारे पास है कुछ न्यूमेरिक डिजिट सारी डाली हुई है और एक फाइल पे हमने ले रखा है यहाँ पे अल्फाबेट के। हम दोनों फाइलों पर किस तरह काम करेंगे, किस तरह एग्जैक्ट का यूज करेंगे और उन एरर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। हमने कुछ दो लिस्टें बनाई हुई हैं, इनमें हमने लगभग सेम एक जैसे जैसे नाम डाले हैं। इनको नॉर्मली हम मैच करना चाहें तो हम ऐसे मैच कर सकते हैं कि हमने इज इक्वल टू, हमने एक सेल एड्रेस दिया और इज इक्वल टू दूसरा सेल एड्रेस दिया। तो यहाँ पे इसको ट्रू दिखा रहा है। नीचे तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये सिर्फ इसने एक को फॉल्स दिखाया क्योंकि इस जगह इसमें एक नाम में हमने स्पेस नहीं डाला है, एक में स्पेस डाला है तो फॉल्स दिखाया। बाकी स्पेलिंग का इसने, हमने अगर कैपिटल लेटर ले रखे हैं या स्मॉल ले रखे हैं, इसने उसको सभी को रीड कर लिया और ये हमारे पास लगभग सेम दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसमें हरी को हम स्मॉल कर देते हैं तो भी यहाँ पे इसको ट्रू रखेगा क्योंकि इसको स्पेलिंग सेम मिल रही है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ही यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे केस सेंसेटिव देखना है कि एग्जैक्ट मैच करना है तो हम क्या यूज करेंगे। हम उसके लिए एग्जैक्ट फंक्शन यूज करेंगे फ्रेंड्स, ई एक्स ए सी टी ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिया कोमा और दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे लिया, तो अब ये दिखा रहा है इसको फॉल्स। इसको भी हम एक बार ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इसने ट्रू दिखाए थे उनको ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा केस सेंसेटिव नहीं है। यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर है फर्स्ट और यहाँ पे हमारा सारे स्मॉल लेटर्स हैं। इसी तरह इसमें इसमें श्याम जो सेकंड नाम हमारा लास्ट नेम उसका एस कैपिटल है, इसमें एस स्मॉल है, इसलिए इसने फॉल्स दिखाया। तो हमने बिल्कुल ही एग्जैक्ट करना हो, केस सेंसेटिव लेना होगा तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन यूज करेंगे। अब एग्जैक्ट फंक्शन को हम दूसरी शीट में चला कर देखते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे एग्जैक्ट का। सेम टू सेम वैसे हम इज इक्वल टू, हमने लिखा एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट एक सेल कोमा दूसरा सेल और एंटर। इसको हम लास्ट तक ड्रैग कर लेते हैं जहां तक हमारी फाइल है। और अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारे पास कितने फॉल्स हैं, क्यों फॉल्स हैं। तो यहाँ पे नीचे तक देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, मैं फिल्टर कर लेता हूँ सिर्फ फॉल्स जो दिखाए उनको। तो फिल्टर लगाने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि हम ऑल्ट डी एफ एफ यूज करेंगे और फिल्टर पे जाके हम इनको फिल्टर कर लेंगे सिर्फ फॉल्स वैल्यूज को। ओके, तो इसने ये चार वैल्यू फॉल्स दिखाई थी। ये एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 89 लिखा हुआ है और यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, थोड़ा डिजिट में फर्क है। जो हमारी डिजिट गलत होगी उसको हम ठीक कर लेंगे तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है फॉल्स जबकि दोनों हमारे 21 नजर आ रहे हैं, यहाँ हमारे दोनों 90 नजर आ रहे हैं फिर भी फॉल्स दिखा रहा है। ये फॉल्स मान लिया क्योंकि यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 12 है, तो हम इसको भी ठीक कर लेंगे। लेकिन इनको कैसे ठीक करेंगे उसके लिए हम फिर से एक फंक्शन यूज करके देखेंगे। जो हमारे पास फंक्शन आते हैं, एक तो आता हमारे पास इज टेक्स्ट, इज नंबर या फिर इज नॉन टेक्स्ट, तीनों में से हम जो फंक्शन हमारा सही मैच करेगा वो यूज करेंगे। पहले तो हम टेक्स्ट यूज करके देखते हैं, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट
और हम बारी बारी से सेल यूज करेंगे, हम इस पे यूज करके देखते हैं इस टेक्स्ट का, तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए इसने फॉल्स दिखाया और सारे फॉल्स है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स हैं। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, दूसरे सेल का ले लेते हैं, वो सारे सही हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें सेल एड्रेस चेंज कर देंगे और B7 की बजाय हम यहाँ पे C7 यूज करेंगे और अब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो अब यहाँ पे इसने ये दो ट्रू दिखाया है, यानी कि ट्रू का मतलब यहाँ पे टेक्स्ट है, ये जो 2-1 लिखा हुआ है ये दोस्तों 2-1 नहीं 2i भी हो सकता है या 2l भी हो सकता है, तो इसको हम 2-1 करके देखते हैं तो ये अब फॉल्स हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, ऐसे यहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये 90 सही नज़र आ रहा है तो यहाँ पे 90 हो सकता है, तो हम यहाँ पे 90 करके देखते हैं तो इसने ये भी फॉल्स कर दिया। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे इस नंबर का फंक्शन लगा लिया तब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस नंबर से भी चेक करके देख लेते हैं, हम सेकंड वाले को ही उठाते हैं और एंटर फिल कर देंगे नीचे तक, और हम जो पहले था सेम टू सेम वही करके देखते हैं, यहाँ पे हमने 2i था 2i करके देखते हैं तो देखो दोनों फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं। इस टेक्स्ट का मतलब है कि यदि टेक्स्ट होगा तो ट्रू दिखाएगा, और इस नॉन टेक्स्ट का मतलब है, इस नंबर का मतलब है कि यहाँ पे नंबर होगा तो ट्रू दिखाएगा, तो हमारे दोनों फंक्शन सही काम कर रहे हैं। ऐसे ही इज नॉन टेक्स्ट, यदि यहाँ पे नॉन टेक्स्ट होगा तो इज टेक्स्ट वाला और इज नॉन टेक्स्ट वाला हमारा दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, देखते हैं हम लगा के। और हम इसी सेल को ले लेते हैं फिर से, तो ये हमारा एकदम इसके हिसाब से काम करेगा, क्योंकि नंबर है तो फॉल्स दिखा रहा है और ये भी हमारा नंबर है क्योंकि टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।